रामचरितमानस है या और भी ग्रंथ है, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है रामचरितमानस पे? देखिए, मैं जिस चीज़ को समझ नहीं पाती या जो बातें मुझे संतुष्ट नहीं करती, मैं उनको नहीं मानती। और मैंने ना रामचरितमानस पढ़ी है, लेकिन जितना सुना और समझा है, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं विश्वास नहीं रखती। बाकी जो ग्रंथ हैं, मैंने एक ऐसे कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़े। आम चर्चा में बहुत से व्याख्यान होते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ के बारे में कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिसपे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जिसपे मेरी आस्था जागृत नहीं होती, मैं नहीं उसको पढ़ती और नहीं विश्वास रखती हूँ। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, खास करके अगर हिंदू समाज के, चाहे वो वेद हो, गीता, उस पर आपका बिलीफ बिल्कुल भी नहीं? मैंने पढ़े ही नहीं, तो बिलीव और ना बिलीव की बात ही नहीं आती। कहना चाहता हूँ कि अभी भी अकल ठिकाने पे आ जानी चाहिए। हमने आपको अपशब्द नहीं कहे, आपका अपमान नहीं किया, आपको किसी प्रकार की धमकी नहीं दी। हमने तो एक अनुरोध किया कि आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाना चाहिए, तो उसको हटाने के बजाय आप एक आतंकवादी, हिंसक, अपराधी की भाषा बोलने लगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी यही सोच है जो समय समय पर हिंदू धर्म को कमजोर किया। जिसके नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता रहे, उनको कहना पड़ा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 10 लाख लोगों के साथ। अगर आप चाहते हैं इस धर्म का सत्यानाश न हो, तो अभी भी समय है, इसमें सुधार करें, संशोधन करें, आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाएं। मानव सम्मान के विपरीत, मानव कल्याण के विपरीत जो भी तथ्य कहीं भी हैं, उसको हटाने का काम करें। हमने तो रामचरितमानस की जिक्र की थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख भागवत जी के इस बयान से अब तो हर पुस्तकों में जहां भी जाति व्यवस्था का वर्णन है, वो चाहे वेद हो, पुराण हो, मनुस्मृति हो, सभी अब विवाद के दायरे में धीरे धीरे आएंगे। ये विवाद न बढ़े, राष्ट्रहित में यही है, संविधान के निर्देशों का पालन करना और सम्मान करने में भी अपना धर्म है, और आपको इस हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए भी चिंता के साथ आगे पहल करनी चाहिए। ये जो आज 15 दिन से लंबा विचार विमर्श चल रहा है, 16वां दिन है, इस विचार विमर्श में जात-पात का नंगा नाच करने वालों की चूले हिल गई हैं।